स्टूडेंट्स, ये आपका जीके का असाइनमेंट रिवीजन असाइनमेंट 3 है। दीज आर सम वन वर्ड क्वेश्चंस। आपको इसमें आंसर इन वन वर्ड करना है, वन वर्ड में ही आंसर देना है। राइट द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। हार्वेस्ट फेस्टिवल बेटा मतलब फसल की कटाई के टाइम पे वो लोग खुशी से खुश होकर फेस्टिवल बनाते हैं, क्योंकि फसल की कटाई के बाद उनकी अर्निंग्स होने वाली होती हैं, तो फिर वो खुशी से फेस्टिवल मनाते हैं। तो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है? ओनम, ओ एन ए एम, ठीक है। विच कंट्रीज फ्लैग इज ट्रायंगुलर इन शेप। कौन सी कंट्री का फ्लैग ट्रायंगल शेप में है? आपने देखा होगा दो ट्रायंगल हैं नेपाल के फ्लैग में। एन ई पी ए एल, नेपाल। राइट द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जैंस, जे ए आई एन एस। जैंस का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा होता है? महावीर जयंती, एम ए एच ए वी आई आर, महावीर। इजी है स्पेलिंग, महावीर जयंती, जे ए वाई ए एन टी आई, जयंती, महावीर जयंती, ठीक है। हु बिल्ड द ताजमहल, हु बिल्ड द ताजमहल स्टूडेंट्स? शाहजहां, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में, ठीक है। राइट द नेम ऑफ मैमल दैट कैन फ्लाई। एक कौन सा ऐसा मैमल है जो कि उड़ सकता है, बैट। विच अमेजिंग क्रिएचर कॉल्ड एन एंटी बियर, आंट बियर, सॉरी, आंट बियर किसे बोलते हैं? एडवर्क को, डबल ए आर डी वी ए आर के, एडवर्क, क्योंकि ये चींटियों को खाता है बेटा, इसलिए इसको आंट बियर बोलते हैं। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है बेटा? वंदे मातरम, वी ए एन डी ई, वंदे, एम ए टी ए आर ए एम, वंदे मातरम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपको पता है हमारे फ्लैग में थ्री कलर्स हैं, तीनों कलर्स हमें किसी ना किसी चीज को वो डिनोट करते हैं, बताते हैं। तो वाइट कलर, ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर, ऑरेंज वाइट और ग्रीन, तीन कलर हमारे फ्लैग में। तो क्वेश्चन उसमें पूछा वाइट कलर के लिए, विच कलर इन इंडियन फ्लैग, इट्स स्टैंड्स फॉर पीस, शांति के लिए कौन सा कलर है हमारे फ्लैग में? कौन सा कलर हम शांति का प्रतीक है? कौन सा कलर बेटा? वो वाइट, ठीक है। शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, आपको आइडेंटिफाई करना है किसके बारे में बता रहे हैं। शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वो स्वतंत्रता सेनानी थी। शी इज नोन एज नाइटिंगल ऑफ इंडिया, उन्हें इंडिया की नाइटिंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सरोजिनी नायडू, ये बेटा लेखिका थी, इन्होंने बहुत सारी पोएमें लिखी हैं, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। एस ए आर ओ जे आई एन आई, सरोजिनी नायडू, एन ए आई डी यू, नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट है, वी यूज दिस ट्री टू ट्रीट स्किन डिजीजेस। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पेड़ के बारे में बता रहे हैं। वी यूज दिस ट्री टू ट्रीट स्किन डिजीजेस, स्किन की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस पेड़ को का हम यूज करते हैं। एंड मेक अदर मेडिसिन, और भी मेडिसिन हम इससे बनाते हैं। कौन सा पेड़ है बेटा? नीम, एन डबल ई एम, नीम। वी गेट गम फ्रॉम दिस ट्री, इस ट्री से हम गम लेते हैं। कौन सा ट्री है वो? अकासिया, ए सी ए सी आई ए, अकासिया, इससे हमें बेटा गम मिलता है। इसकी पिक्चर्स वगैरह सब आपके बुक में दे रखी हैं, ठीक है। बहुत अमेजिंग ट्री है ये। नेक्स्ट है आपका,
दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट डोम है ये गुंबद. क्या ये गोल गुंबज, जी ओ एल गोल, जी यू एम बी ए जेड गोल गुंबज. तो ये बेटा आपका जीके का असाइनमेंट था जो आज की क्लास में होना था आपका. आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे भी, ठीक है. रिवीजन का कोई असाइनमेंट आपको छोड़ना नहीं है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.